नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। हर रोजाना की तरह एक बार फिर आज हम हर रोज की तरह दो संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत और लखीमपुर से हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद संवाददाता जुड़ेंगे, जो पीलीभीत और लखीमपुर दोनों में क्या कुछ चल रहा है, क्या बड़ी खबर है, किस तरह की हलचल है, वहां की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे में आज वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू हो गया है, उसको लेकर इन दोनों ही जिलों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही चुनावी माहौल कितना गर्म है पीलीभीत और लखीमपुर में, वो भी हम यहां पर आपको बताएंगे। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि 8 ओमिक्रॉन के नए मामले मिल चुके हैं। इसके अलावा कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक बहुत ज़्यादा सख्त प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस तो नहीं जारी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से लोग जागरूक दिख रहे हैं या फिर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में अब आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कि अगले महीने विधानसभा चुनाव भी हो उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर भी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, लोग कितना ज़्यादा जागरूक हैं और कितना विकास इन दोनों ही जिलों में हुआ है इन 5 सालों में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में, ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी की, दोनों ही जिलों की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आज हम ये जानने की और परखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे चुनाव को लेकर चुनाव से पहले, क्या वो सभी वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, चाहे वो कोरोना के मामले को लेकर हो, चाहे वो बढ़ती ठंड को लेकर हो, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर बताने की कोशिश और जानने की कोशिश हम करेंगे। इसके अलावा अगर हम लखीमपुर की बात करें तो हर कोई जानता है कि अक्टूबर महीने से ही लखीमपुर खीरी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, जो भीड़ में किसानों की जान गई थी, कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई थी, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सियासत गरमाई थी। हालांकि अभी तक वो मामला शांत नहीं हुआ है, विपक्ष अब भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। तो लखीमपुर तो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, ऐसे में चुनावी माहौल लखीमपुर में कैसा है यहाँ पर, ये आपको बताएंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। तो ऐसे में आपको बता दूं कि लखीमपुर से हमारे संवाददाता किशन निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले किशन आपका ही रुख करूंगी मैं, लखीमपुर देखिए पहले से ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, अक्टूबर महीने से ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, जिस तरह से किसानों की जान गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई, एक बहुत बड़ा देश का मुद्दा बन गया था। अगर आज लखीमपुर की बात की जाए, आज सबसे पहले ये बताइए लखीमपुर में क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी हलचल है? देखिए लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी आज तिकुनिया हत्याकांड को लेकर लगभग 3 महीने 90 दिन में एसआईटी को चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एसआईटी जो है, हमारे जो सूत्र कह रहे हैं वो 1800 पेज की जो एसआईटी ने एक चार्जशीट है, जो किसान हत्याकांड मामला था या जो 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, कहीं ना कहीं एसआईटी आज उसमें चार्जशीट दाखिल करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो पूरे दिन लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसान हत्याकांड या भाजपा जो कार्यकर्ता थे उनकी मौत का मामला था, उसको लेकर एसआईटी रिपोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल पूरी दाखिल करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जिले की नजर आज पूरी लखीमपुर खीरी पर फोकस आएगी। जी बिल्कुल किशन, और आज से देखिए पूरे देश भर में बच्चों के लिए 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो उसके लिए लखीमपुर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल आला अधिकारियों की एक जनपद लखीमपुर खीरी में मीटिंग हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी कोविड सेंटर है या जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर पर्याप्त मात्रा में बच्चे पहुंचेंगे और वहां पर वैक्सीनेशन होगा। इसको लेकर प्रशासन ने जिले की बात की जाए तो अनाउंसमेंट कराया है और लोगों को जागरूक कर रही है कि जो भी बच्चे हैं, 14 साल के ऊपर के बच्चे हैं या 15 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लगवाएं, स्कूलों में भी उनके गार्जियंसों को बुलाकर और इस तरीके के प्रशासन एक बातचीत कर रहा है कि उनको वैक्सीनेशन किया जा सके, जिस तरीके से ओमिक्रॉन अब जो बढ़ के एक नया वायरस आ रहा है उसको लेकर बचाव हो सके। जी
जी बिल्कुल ठीक है। प्रांजल, पीलीभीत में आज क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी हलचल है? जी आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत जनपद की अगर बात किया, पीलीभीत जनपद में 4 विधानसभाएं हैं। सदर विधानसभा 127 है, उसके अलावा 128 बरखड़ा विधानसभा है, उसके अलावा 129 पुरनपुर और फिर उसके बाद 130 बिसलपुर विधानसभा है। पीलीभीत विधानसभा की बात की जाए, पीलीभीत विधानसभा में भाजपा के जो है संजय सिंह गंगवार जो है यहाँ से विधायक है। वहीं अगर उनके विकास कार्यों की बात की जाए या और जनता जिस तरीके से बात करती है, जो तमाम जिस तरीके वो दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हमने इतना जो है विकास को लेकर काम किया है, लेकिन जनता की अगर बात किया तो जनता का साफ तौर से कहना है कि जो विकास कार्य वो गिना रहे हैं वो आने अभी पिछले साल जो डीएम यहाँ पे आए थे पुलकित खरे, उनके माध्यम से कराए गए विकास कार्य हैं और उनको वो अपने कामों में वो जोड़ रहे हैं। उसके अलावा उनका साफ तौर से कहना है कि मैंने 250 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा दिया, या तमाम जो भी विकास कार्य वो गिना रहे हैं वो सीधे तौर पे शासन द्वारा कराए गए काम हैं। वहीं अगर बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो बीसलपुर विधानसभा में रामशरण वर्मा जो है विधायक हैं, हालांकि उम्र का तकाजा है, 75 साल के हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। वो अपने बेटे को जो है चुनाव मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं जी। ठीक है प्रांजल, और देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन एक बहुत बड़े स्तर पर आज से बच्चों के लिए शुरू हो गया है, तो पीलीभीत में वैक्सीनेशन को लिए लेकर किस तरह का इंतजाम है? पीलीभीत जनपद की बात की जाए तो पीलीभीत जनपद में ओमिक्रॉन के अभी हाल ही में कोरोना के 2 मरीज पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पहला जो मरीज है वो यहाँ एक ज्वेलर्स हैं, वो दुबई से आए थे, उनका कोई उनके फैमिली में कोई बच्चा या जो है ओमिक्रॉन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके अलावा एक और मरीज जो है आया है कहीं बाहर से, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कहीं ना कहीं जो है ओमिक्रॉन का जो है असर उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि जो है फिलहाल नहीं हुई है जिला प्रशासन की ओर से। उस विषय पे अब देखना ये होगा कि आगे क्या एहतियात जो है इसको लेके बरती जाएगी। और हालांकि अगर प्रशासन की बात किया है, जिला अधिकारी की बात किया है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में अलर्ट कर दिया है और तमाम बैठकें उन्होंने इसको लेके की हैं जी। ठीक है प्रांजल, और अगर देखिए जिस तरह से कोरोना के आप मामले बता रहे हैं कि कोरोना के मामले पीलीभीत में मिले हैं, उसको लेकर देखिए पूरे देश में अब ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हो गया है, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर काम कर रही हैं, साथ ही ऐसे में पीलीभीत में प्रशासन कितना ज़्यादा अलर्ट दिख रहा है और लोग कितना ज़्यादा अलर्ट दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में क्या अभी भी जागरूकता है या नहीं है? लोगों की बात किया जिस तरीके पिछले साल की कोरोना की बात की जाए, लोगों को 90 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। हाल ही में जो है इस साल की बात किया, इस साल में भी करीब 15 से या 1 महीने के बीच में जो है लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जो मास्क की जो मास्क सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों को वो लोग अब जो है भूल चुके हैं, अब इस ओर उन लोगों का ध्यान नहीं। अब हाल ही में 2 कोरोना पॉजिटिव लोग मरीज यहाँ मिले हैं, उसके बाद जिला प्रशासन लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार कर रहा है कि दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल अभी की स्थिति अगर बात किया, अभी की तस्वीरों की बात किया तो अभी कोरोना को लेकर लोग इतना अलर्ट नहीं है जी। ठीक है किशन, आप बताइए लखीमपुर में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, काम कर रहा है? देखिए साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं सैनिटाइजर या मास्क का यूज नहीं कर रही, तो इससे कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में एक चिंता का विषय, जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन में जो स्थिति जी। चलिए ठीक है, शायद किशन से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रांजल, पीलीभीत में देखिए अब उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में चुनाव को लेकर पीलीभीत में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या आज किसी पार्टी की पीलीभीत में रैली या कोई जनसभा होने वाली है? जी पीलीभीत की बात की जाए, पीलीभीत में हाल फिलहाल में अभी तो फिलहाल कोई रैली वगैरह नहीं है, लेकिन अभी फिर से 30 दिसंबर की बात किया तो 30 दिसंबर को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की यहाँ पे विशाल जनसभा की, उसके अलावा रथ यात्रा भी जो है जनविश्वास यात्रा भी यहाँ पर आई थी रैली में, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
यहाँ पे जनसभा को संबोधित भी किया था, लोगों को बताया कि हमने अपने विकास कार्य, उन्होंने गिनाया कि हमारी सरकार में इतना इतना विकास हुआ है। उसके अलावा लड़कियों की, छात्राओं को लेकर जो है बात की कि पिछली सपा सरकारों में जो है गुंडा राज था और यहाँ पे जो है अब हमारी सरकार है तो गुंडा राज जो है खत्म हो चुका है। लड़कियाँ जो है शाम 5 बजे के बाद भी जो है घर से निकल सकती हैं, देर रात जो है सड़कों पर घूम सकती हैं, जा सकती हैं कहीं भी। लेकिन अब जिस तरीके विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हम 127 शहर विधानसभा की बात की जा कर रहे हैं, तो यहाँ पे संजय सिंह गंगवार जो हैं यहाँ पे विधायक हैं, हालांकि वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, दोबारा विधायक बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता में देखा जा रहा है उनका विरोध। उसके अलावा पूर्व विधानसभा में बाबूराम पासवान है यहाँ पर, वो भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उसके अलावा भाजपा से कई और लोग भी जो है दिग्गज नेता जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भी कहीं ना कहीं इसमें जो है मामले में सक्रिय नजर आ रही है लगातार। उनके भी 60 से 70 जो है आवेदन पूरे जनपद की चारों विधानसभाओं से अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अब टिकटों की बात की है, अब टिकट कब तक घोषित होते हैं और आगे क्या रणनीति तैयार की जाती है, अभी कल ही की बात आपको बता रहे हैं। अभी गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी में और क्या कहते हैं प्रसपा में, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, इन दोनों पार्टियों में जो गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे शोएब खान, उन्होंने जाकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों पार्टियों के नेता जो है आपस में मिले हैं, जाकर के बात की है, एक बैठक भी की है और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जो है तैयार करने की बात की जा रही है जी। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी में ने जो है और छोटे छोटे दल जो है अपने साथ मिलाए हैं, जैसे लोक दल है, अपना दल है, ये तमाम दल जो है, इन दलों ने, चारों दलों ने बैठ करके जो है एक बैठक की है और आगे की रणनीति जो है चुनाव को लेकर तैयार करने की बात कर रहे हैं। ठीक है प्रांजल। किशन, आप बता रहे थे कोरोना को लेकर लखीमपुर में किस तरह के इंतजाम है, आप बताइए। देखिए छात्रों, बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में इस समय जो बात की जाए तो जिस तरीके से साप्ताहिक बंदी प्रशासन ने की है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो ग्रामीण हैं या शहरी दुकानदार हैं कहीं ना कहीं दुकानें अपनी खोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन सिर्फ जागरूक करने का, जो चौराहों पर अलाउंसमेंट कराना या उस तरीके कराना, उस तरीके का काम कर रहा है, लेकिन लखीमपुर खीरी में अभी जिस तरीके से सैनिटाइजर या मास्क या उचित दूरी की बात की जाए तो कोई व्यक्ति इन सब चीजों का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन यही सब चीजें आगे आने वाले भविष्य के लिए चिंताजनक होंगी लखीमपुर खीरी के लिए। बिल्कुल किशन। और देखिए लखीमपुर में जिस तरह से अभी कुछ समय पहले पूरा कांड हुआ था, किसानों की जान गई थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई थी, उससे कहीं ना कहीं लखीमपुर की जनता में काफी ज्यादा नाराजगी सरकार को लेकर है। ऐसे में अब अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, तो अगर अभी लखीमपुर खीरी की जनता की बात की जाए या किसानों की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खास बात किसानों के मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था अभी पिछले साल ही, तो ऐसे में किसान और वहां की जनता क्या सोच रही है, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रुख और क्या मूड दिख रहा है जनता का? देखिए साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि लखीमपुर, देखिए गन्ना बाहुल इलाका है, चीनी का कटोरा कहा जाता है लखीमपुर खीरी, लगभग 12 चीनी मिल है जनपद में, तो उसको लेकर जो गन्ना किसान है वो कहीं ना कहीं लगातार परेशान है। जो बजाज चीनी मिल है उनपे किसानों का पर्याप्त मात्रा में, कम से कम पर्याप्त मात्रा में पैसा बकाया, लगातार जो बजाज के चीनी मिल है उन पर किसान लगातार धरना कर रहे हैं। प्रशासन ने अभी लगभग 1-1.5 महीने धरना चला था, उसका समझाने के बाद में फिर किसान हटे थे, लेकिन अभी किसानों की कल ही एक महापंचायत बुलाई गई है जिसमें किसान ये निर्णय लेंगे कि गन्ना बकाया भुगतान है उसको लेकर क्या करेंगे किसान। और जिस तरीके से तिकुनिया हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पर ये मांगे कि उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जो मामला उठा, वो जिस तरीके से जांच है, उनका तात्पर्य कहना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा चीनी, और वो कहीं ना कहीं अपने उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसको लेकर भी किसान लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, उनका तात्पर्य कहना कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ठीक है किशन। और ऐसे में देखिए लखीमपुर खीरी में जिस तरह से अजय मिश्र टेनी की बार बार बर्खास्ती की मांग की जा रही थी, आशीष मिश्रा को लेकर भी बहुत मांग की गई, किसानों की नाराजगी तो कहीं ना कहीं थी, लेकिन ऐसे में विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर क्या इन 5 सालों में विकास हुआ है? सबसे ज्यादा खास बात ग्रामीण इलाकों की मैं कर रही हूँ, क्या ग्रामीण इलाकों में कुछ विकास हुआ है?
देखिए साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो कुछ तहसीलें ऐसी थी जब उस समय लखीमपुर खीरी की एक मोहम्मदी तहसील पड़ती है जो कि मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जब उस समय मुख्यमंत्री जी 2017 में जब चुनाव से पहले आए थे तो मोहम्मदी को जिला बनाने की बात कही थी, तो आम जनता आज भी वही पूछ रही कि जो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मोहम्मदी आए तो उन्होंने साफ तौर कहा था कि अगर हमारा विधायक या हमारी सरकार बनती है तो मोहम्मदी को जिला घोषित करेंगे, लेकिन अगर वो लखीमपुर खीरी की जो मोहम्मदी तहसील है उसको अभी जिला का कोई मतलब महत्व नहीं मिल पाया, इसको लेकर काफी नाराजगी है लोगों में। और अगर बात की जाए गोला की या पलिया या तहसील, तो वहां पर जो तहसीलें और हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त तहसील है, जैसे पलिया तहसील, निघासन, सदर और धौरारा, ये चार तहसीलें बाढ़ग्रस्त हैं। कहीं ना कहीं लगातार हर वर्ष प्रशासन जो है या शासन है वो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए खर्च कर बांध बनवाता है, बढ़िया उसकी रोकथाम की जाती है बाढ़ के पानी को लेकर कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद भी कई गांव चपेट में आते हैं और कईयों की जान माल का नुकसान होता है और कईयों एकड़ खेती जो है वो जलमग्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में एक बाढ़ की स्थिति भी किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में है। जी ठीक है किशन। प्रांजल, अगर माफ कीजिएगा, पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में किसानों का क्या मूड है? क्योंकि देखिए पहले किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए वो, और ऐसे में कहा किसानों की तरफ से जा रहा था कि अगर इन तीनों ही कानूनों को रद्द नहीं किया तो चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब तीनों कृषि कानून निरस्त हो गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, तो क्या अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किसानों का रुख बदला है या अब भी नाराजगी बीजेपी से है किसानों की? जी जिस तरीके से जो कृषि कानून की बात की जा रही है, जो लगातार जो किसानों का जो है पिछले एक साल से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था और कहीं ना कहीं किसान उससे कहीं ना कहीं नाराज थे। अब जिस तरीके से लखीमपुर ने अब बताया कि जो है चीनी मिल की बात की, तो पीलीभीत की अगर हम बात की जाए तो पीलीभीत में भी चीनी मिले हैं, बकाया जो है अभी भी किसानों, गन्ना किसानों का बहुत सारा पैसा जो है बकाया है। कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाराज हैं, ऐसा नहीं है कि किसान नाराज नहीं है। हालांकि कृषि कानून जो वापस ले लिए गए हैं उससे तो नाराजगी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन अभी भी जो है बकाया नाराजगी अभी भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच जो है देखी जा रही है। क्योंकि गन्ना यहाँ पर जो है गन्ना बाहुल इलाका है, यहाँ पीलीभीत जनपद भी जो है गन्ना बाहुल इलाका है, गन्ना जो है सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन होता है, पीलीभीत बासुरी नगरी के नाम से भी जानी जाती है, बासुरी उत्पादन भी है। उसके अलावा चावल यहाँ का मशहूर है, चावल यहाँ का जो है बासमती चावल यहाँ का बहुत मशहूर है, काफी शहरों में बड़े बड़े देशों में जो है यहाँ से चावल जाता है। तो किसानों का जो है यहाँ पर गढ़ है और किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर है, तो किसानों की नाराजगी कहीं ना कहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ठीक है जी, ठीक है प्रांजल। लेकिन अगर देखिए पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में क्या है, इन 5 सालों में विकास हुआ है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब मानसून आता है, बारिश पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा स्थिति पीलीभीत की ख़राब हो जाती है, किसान परेशान हो जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में गाँव जो है पूरे के पूरे गाँव इससे प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या इसको लेकर कुछ कदम उठाया गया है, आगे काम किया गया है? जिस तरीके से बात की जा रही है बरसात की, बरसात जब आती है यहाँ पर या बाढ़ की स्थिति जब बन जाती है, अभी हाल ही में इसी साल की बात किया है बाढ़ आ गई थी यहाँ पर पीलीभीत में, तो कई ऐसे इलाके हैं जैसे हजारा थाना क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जो है डूब गया था। हालांकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है लोगों को वहाँ पे सुरक्षित बाहर निकाला गया, पुलिस ने भी अपनी अलग से मदद की लोगों की और खाने के पैकेट पहुंचाने का काम किया, तमाम जो है सुविधाएं दी। लेकिन जिस तरीके बाढ़ की जो बात की जा रही है, बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जो है नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, बाढ़ की स्थिति को वो संभाल नहीं पा रहा है। लगातार बाढ़ जब आती है तो लोगों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है, लोगों के मकान जो है ढह जाते हैं और अगर उसके बाद जब चुनाव का समय आता है तो लोग जो है वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम इस तरीके की ये सब सुविधाएं देंगे या हम मुआवजा देंगे, मुआवजे की बात करते हैं, मकान देने की बात करते हैं, लेकिन अगर हकीकत अगर इस जानने की अगर कोशिश की जाए तो सच्चाई ये है कि लोगों को ना तो खामियाजा मिलता है ना उनको कोई नए मकान की जो दिलासे दिए जाते हैं वो उनको पूरे नहीं किए जाते हैं। वादे सिर्फ करे जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, वादे के वादे वहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो यानी कि प्रांजल, वादे जब किए जाते हैं पूरे नहीं किए जाते तो नाराजगी कहीं ना कहीं होगी फिर इस बार जनता में? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस बार जो है नाराजगी बेहद ज्यादा है
लोग जो है अपने विधायकों से, स्थानीय विधायकों से काफी नाराज हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव है कि कितनी नाराजगी और कितनी नाराजगी वो अपनी दिखा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायकों को लेकर। ठीक है किशन, अगर लखीमपुर में महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह का इंतजाम है? देखिए साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जो अभी एसपी नवनिर्वाचित एसपी आए थे, जो तिकुनी हत्याकांड के बाद में जो एसपी थे, कहीं ना कहीं उनका तबादला हुआ था डेढ़ से दो महीने के बाद में, और वो नए एसपी आए, तो कहीं ना कहीं एसपी एक अलग अधिकारी है। उन्होंने साफ तौर पर जांच टीमें लगा रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर लखीमपुर जिस तरीके से किसान हत्याकांड के बाद उत्तर भारत में सुर्खियों में आया था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर है और लगातार रात हो दिन हो जो बैरिगेटिंग है या जो चेक पोस्ट है उन पर चेकिंग चल रही है। स्कूलों के बाहर भी महिला सुरक्षा को लेकर काम चल रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से गाँव में या क्षेत्र में जो महिलाओं के संबंध में या बाल बच्चियों के संबंध में दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन कड़ा रुख अपनाता है और जो भी आरोपी होते हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी करने की बात कहता है। जी ठीक है किशन, और अगर शिक्षा की बात कर ली जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के किस तरह से लखीमपुर में इंतजाम है? क्या सही से इंतजाम है? लोगों को सुविधाएं मिलती हैं? किशन मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए ठीक है, शायद नेटवर्क इशू है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रांजल आप बताइए, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपराध अपने चरम पर है। हालांकि सरकार इस बात को कहती है कि 2017 से पहले अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों पर नकेल कसी गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम घटनाएं आपराधिक सामने आती हैं। रेप जैसी, चोरी जैसी, डकैती जैसी, ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं। अगर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में आपराधिक ग्राफ क्या कहता है? पीलीभीत बात की जाए आपराधिक ग्राफ की, तो पीलीभीत में इसी साल की अगर बात किया तो इसी साल कई ऐसी बड़ी घटनाएं जो है पीलीभीत जनपद में देखने को मिली। हाल ही में एक मामला हुआ था, एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये मामला पूरा था बरखेड़ा थाना क्षेत्र का। उसके बाद हालांकि उस आरोपी को जो गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बरखेड़ा विधानसभा की बात की जाए तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस ने जांच को दबाने के लिए या जल्दबाजी करके जो आरोपी थे, जो मेन आरोपी थे, उनको ना गिरफ्तार करके किसी नाबालिग बच्चे को जो है उस मामले में डाल के उसको गिरफ्तार कर दिया है। भाई अगर बात किया पीलीभीत सदर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज है जहाँ पे सेक्स रैकेट कॉलेज के अंदर चल रहा है, जो कि लड़कियों का कॉलेज है और लड़कियों के जो कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं कामरान आलम खान, वो इस पूरे सेक्स रैकेट को चला रहे थे। एक लड़की ने जब इस पूरे मामले में, युवती ने जब आवाज़ उठाई तो उस पर मामला बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद में आनंद फारन में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उस युवती का साफ तौर से कहना है, उस बच्ची का साफ तौर से कहना है कि अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जिनको अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है जी। तो कहीं ना कहीं जितना उन्होंने करना था काम उतना उन्होंने करके उसको मामले को अभी रफा दफा कर दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव होने, हालांकि अभी पुलिस का साफ तौर से कहना है कि उस मामले में अभी भी जांच चल रही है, लेकिन जांच कब तक चलेगी ये अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जो एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और यहाँ के कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं इसमें उस पूरे मामले में संलिप्त है, क्योंकि उनकी जानकारी में कहीं ना कहीं था कि कॉलेज के अंदर सेक्स रैकेट जैसे काम चल रहे हैं, उसके अलावा कई लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं 4-5 लोग अभी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है प्रांजल, अगर हम इस पूरे मामले को लेके, ठीक है प्रांजल। किशन आप बताइए, समय ज़्यादा मेरे पास नहीं है इसीलिए यहीं पे मैं रोकूंगी प्रोग्राम को, लेकिन उससे पहले किशन आप बताइए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह का इंतजाम है लखीमपुर में? देखिए लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गांव-गांव डोर-डोर जाकर कमेटी बनाई गई है, गांवों में कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी पूरा प्रधान के अंडर में कमेटी है और शिक्षा को लेकर वो लगातार या स्वास्थ्य को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मीटिंग करते हैं। लेकिन अगर शिक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में भी आपने देखा होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी
बाढ़ ग्रस्त इलाका माना जाता है। जो बाढ़ ग्रस्त तहसीलें हैं वहां पर शिक्षा काफी प्रभावित रहती है, क्योंकि जिस तरीके से जब पढ़ाई का समय होता है तो वहां स्कूलों में पानी भर जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल तीन चार महीने स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव जो ग्रामीण अंचल के इलाके हैं वहां पर शिक्षा का अभाव देखा जा सकता है। जी ठीक है, चलिए किशन और प्रांजल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, साथ ही बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से अपने दोनों के जिलों में क्या चल रहा है वो बताने के लिए। तो ऐसे में आज लखीमपुर और पीलीभीत की हम यहाँ बात कर रहे थे और वहाँ पर किस तरह की हलचल है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपराधिक मामलों में दोनों ही जगह पर ये देखने के लिए मिला है कि घटनाएँ आपराधिक नहीं घट रही हैं। साथ ही अगर सरकार की तरफ से नेताओं की तरफ से जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे वो भी कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए जनता में खास नाराजगी फिर से एक बार देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीलीभीत और लखीमपुर में कहीं ना कहीं किसान भी अब भी सरकार से नाराज हैं। भले ही सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल निरस्त कर दिए हों, रद्द कर दिए हों, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार से अब भी नाराजगी किसानों की और जनता की बनी हुई है, क्योंकि ना तो विकास के कार्य हुए, ना ही जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिलों के संवाददाताओं के साथ और साथ ही उन जिलों में क्या कुछ चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।